गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए यहाँ पे कर लेती हूँ वीडियो स्टार्ट। तो जैसा आपको पता है मैं गांव में हूँ गाइस, तो मैं जस्ट आई थी अपनी बहन के घर में यहाँ पे। तो थोड़ा सा मैंने गाइस वॉइस ओवर इसलिए कर दिया था क्योंकि काफ़ी ना बच्चे बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे और बहन के घर में ना फंक्शन भी था, बट पड़ोसियों में था तो उनके यहाँ पर खाना वगैरह सब खिलाया गया था। तो यहाँ पर ना जैसे किसी की डेथ होती है ना, साल भर के बाद बरसी करते हैं, तो वो था उनके यहाँ पर। तो यहाँ पे जो बोर्ड लगाया था, यहाँ पे ना मेरी बहन के देवर वगैरह ना टीचर हैं, तो वो पढ़ाते हैं ट्यूशन वगैरह, और काफ़ी बहुत बड़ा घर है उसका ना। तो देखिए चलिए मिलाती हूँ अपनी बहन की बेटी से मैं। और ये ना काफ़ी मतलब पता नहीं क्या हो जाता है, बीमार मतलब नज़र सी लग जाती है, और बहुत ही अच्छी है ये। और देखिए मतलब बहुत अच्छी थी एकदम ना, फुली फुली सी एकदम ना हो गई है। तो यहाँ पे मैं आ रही थी तो मैं आपको हाई कर रही थी, और यहाँ पे खिला रही हूँ अपने बाबू को। तो यहाँ पे मेरी बहन जा रही है क्योंकि देखिए गाँव में पल्लू ओढ़ के रखते हैं। तो चलिए मेरे साथ वीडियो में बने रहें, और अच्छी लगे थोड़ी सी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ज़रूर बताना मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो चलिए आगे जाके आपको मिलती हूँ। तो गाइज़ मैंने यहाँ पे अपनी बहन की बेटी को ले रखा था, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ क्योंकि देखिए छोटी सी है और उसने ना बॉटल ले रखी है हाथ में, इतनी प्यारी लग रही थी कि आपके साथ शेयर करना ज़रूर बनता है। तो चलिए यहाँ पे मैं आ गई थी मम्मी के घर में, और देखिए मेरा घर कुछ ऐसा है अभी क्योंकि अभी बनेगा घर बहुत ज़्यादा, क्योंकि भाई की छोटे की शादी होने वाली है, तो तब जाके मतलब सारा उनको पापा तोड़ेंगे तब जाके अच्छे से बनाएंगे, क्योंकि ये पुराना वाला घर है गाइस। और गला भी काफ़ी थोड़ा ख़राब है, तो काफ़ी गर्मी है गाँव में गाइस। तो मैंने चलिए पहले, और जैसे कि हमारे घर में गेहूँ वगैरह सबके कट रहे हैं गाइस, जैसे गाँव में सभी को पता है। तो यहाँ पर ना मैं अकेली थी, तो मैंने सोचा चलिए पहले थोड़ा सा घर का क्लीन किया, थोड़ा सा भाभी तो कर ही लेती हैं, पर मुझे ना थोड़ा सा ये है कि गंदा पसंद नहीं है तो मैं कर लेती हूँ। तो थोड़ा सा मैंने क्लीन वगैरह करके, और मैंने इसलिए थोड़े से अपने हेयर वगैरह बना लेती हूँ। और भैया ना अभी आए थे, तो भैया बोले तो यहाँ पे मैं जो था अपने अच्छे से पूरा, और देखिए होता है गाँव में तो जब एक दो करने वाले होते तो काम तो ज़्यादा फैलता ही है। तो यहाँ पर मैं जो था अपना अच्छे से, और गंदा भी मतलब ऐसे रह नहीं जाता है कि हाँ बिल्कुल। और यहाँ पे बच्चे जो टीवी वगैरह देख रहे थे घर का क्लीन मैंने गाइस रात को किया है, और आप देख सकते हो मम्मी के घर में हूँ क्योंकि अभी मेरी मम्मी के यहाँ पे ना सही वगैरह नहीं हुई है, तो जो दादा बने थे वो तो गाइस। और हमारे यहाँ ना गांव में ना बहुत ज़्यादा गेहूँ वगैरह कट रहे हैं गाइस। मैं आ गई मम्मी भाभी के रूप में, तो गाइस मम्मी जैसे गेहूँ वगैरह कट रहे हैं तो घर में कोई नहीं है, जस्ट मैं थी और बच्चे तीनों हैं देहरादून में। तो मैं यहीं पे हूँ गाइस, तो मैं सोच चलिए और भैया लेके आए भी पनीर, तो मैं पनीर बनाती हूँ। मैं सोचा बहुत दिन से वीडियो नहीं गाइस, तो इसलिए प्लीज़ सॉरी, क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था गाइस। तो अब थोड़ा सा अच्छा सा वो कर रही हूँ कि हाँ मैं थोड़ा सा जो भी है गाँव में ही रह के वीडियो अपलोड करूँगी जैसा आपके सामने, और गाँव की तरह जो भी है खाना पीना सब चीज़ आपके यहाँ शेयर करूँगी, और खेत खलिहान सब दिखाऊँगी आपको। तो चलिए गाइस, बहुत ज़्यादा देखिए रात हो गई है, और मैं अभी बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी, और परछाई आ रही है गाइस मेरे चेहरे पे भी। तो चलिए बना लेती हूँ पनीर सब्ज़ी में, और मैं कैसे बनाती हूँ सिंपल बनाऊँगी गाइस, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास इतनी कोई मतलब गैस को, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है, मेरे बस की बात नहीं है गाइस बिल्कुल गर्मी में खड़ा होना, क्योंकि आपको पता है गाँव में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है गाइस। तो मैंने ना यहाँ पे दिखाती हूँ आपको, मैंने यहाँ पे रख ली है गाइस बाहर, और परछाई आ रही बार बार पता नहीं क्यों, क्योंकि लाइट ना थोड़ी अलग है इसलिए। तो चलिए गाइस पनीर बनाने के बाद आपसे ज़रूर मिलूंगी, आपसे थोड़ी सी बात भी करूंगी, मेरी वीडियो बने रहे, और अच्छी लगे प्लीज़ को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में ज़रूर बताना को मेरी वीडियो कैसी लगती है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो गाइस यहाँ पे हो रही है मेरी फुल मस्ती क्योंकि चाची चाचा बैठे हैं रूम में, तो इसलिए मैं बोल रही थी कि आज मेरे भैया लेके आए, तो मतलब बोल रही चाची की बहुत खुश हो रही है रिंकी आज, तो मतलब मैं सबको खुश कर देती हूँ ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे मैंने बाहर किचन से बाहर ना गैस और सिलेंडर निकलवा लिया था चाची से, मैंने कि निकाल दो। तो यहाँ पे और पापा जी भी आ गए थे क्योंकि आजकल ना प्रधानी के इलेक्शन वगैरह लड़ रहे हैं ना,
तो पापा ने थोड़ी सी ना ली हुई थी, तो यहाँ पे भैया लगा रहे थे अपना जो होता है नियार कार्ड, में नहीं चला फिर शेयर कर लेती हूँ। तो देखिए अच्छा लगता है मुझे जब थोड़ी थोड़ी गांव की लाइफ दिखाना। तो यहाँ पे चलिए मैंने बनाने की कर दी है स्टार्ट पनीर की सब्ज़ी। और यहाँ पे मैंने पहले उसको फ्राई कर लिया था मस्टर्ड ऑयल में ही, और कहीं से यहाँ पे मैंने कढ़ाई और जो मैं मस्टर्ड ऑयल में ही मैंने उसमें जींगी रखा तड़का लगाया है। और मैंने आज का इस प्याज वाला बनाऊंगी, क्योंकि देखिए भाभी ने सारा सामान तैयार करके रखा है। तो भाभी बोली कोई नहीं आप सिर्फ फ्राई मतलब बना दो, और देखिए मुझे खाना भी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे पहले मैंने मोटा प्याज ले लिया, टमाटर भी ले लिया है, और उसको अच्छे से, और मैंने चार मिर्च डाली है इसमें, उसको अच्छे से मैं पका लूँगा इस। बाकी भाभी ने ग्राइंड कर दिया है सारा सामान, तो इसमें मैं डालूँगी गरम मसाला, प्याज भी है, टमाटर भी है, लहसुन, मतलब और सारे मसाले भाभी ने रख दिए हैं इसमें करके, तो मैं सब इसको डाल दूँगी। तो भाभी मतलब बोलती हैं कि रिंकी ना बहुत अच्छा पनीर बनाती हैं, और पापा को भैया को बहुत पसंद आता है, तो मैंने चलिए कोई नहीं मैं बना दूँगी। खाते नहीं तो क्या हुआ, बनाना तो ज़रूर चाहिए। तो पहले तो हम खाते थे बट नहीं खाते हैं। तो जैसे आपको पता देहरादून में भी मैं बगैर लहसुन प्याज की सब्ज़ी बनाती हूँ और टेस्टी लगती है, ये नहीं कि हाँ लहसुन प्याज की अच्छी लगती है। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से बात हो बात में मेरा मसाला रेडी हो गया है, और टमाटर भी अच्छे काफ़ी गल गए गाइस। तो यहाँ पे और भैया ना मटर भी वो वाली लेके आए थे, जैसे बॉयल वाली मटर आती है हमारे तरफ ना यूपी में, बॉयल वाली मिलती है जैसे लास्ट में सफल होती है ना, जैसे लास्ट के टाइम में ना बॉयल करके फ्रीजर में रख लेते हैं यहाँ के ना मार्केट में, तो वो वाली भैया मटर लेके आए थे, तो उसको उबालने की ज़रूरत नहीं थी। तो चलिए यहाँ थोड़ी सी नमक डालना भूल गई थी, नमक डाल दूँगी, इससे क्या होगा जो थोड़े से टमाटर हमारे रह गए ना उससे अच्छे से गल जाएंगे। और बहुत तो यहाँ पे ना और डाल दूँगी यहाँ पे मटर में, तो इससे जो मैंने नमक डाला ना इसके अंदर थोड़े से ना मसाले अब्जॉर्ब हो जाएंगे, और मतलब खा इतना मतलब गाइस इतना टेस्टी बना था कि सब ना खा मतलब कह रहे थे कि हाँ बड़े दिनों में ना ऐसा पनीर खाने को मिला, मैंने कहा अच्छा। तो यहाँ पे चलिए अपने अकॉर्डिंग ही पानी डालूँगी, तो मम्मी तो चावल बनाऊँगी इनसे, और रोटी पापा ज़्यादा मतलब चावल वगैरह नहीं खाते हैं और तेल का भी बहुत कम खाते हैं। तो यहाँ पे और सबको काफ़ी पसंद आया था गाइस, तो यहाँ पे मैं डाल दिया मैंने पनीर, और ये अच्छे से बन जाएगा गाइस। और गाइस पता नहीं आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही होगी गांव में रह के, पता नहीं कोशिश करती हूँ आके, क्योंकि गाइस मेरी वीडियो इसलिए नहीं जा रही थी क्योंकि मेरा फ़ोन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, तो ठीक होके आया था तभी मैं वीडियो स्टार्ट अप कर रही हूँ बनानी। तो चलिए यहाँ पे कर दूँगी इसको ढक के, रेडी हो गया मेरा यहाँ पे पनीर, और आप भी आ जाइए खा लीजिए, ज़रूर बताना गाइस आज मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और आ जाइए आप भी खा लीजिए, और देख कितना यम्मी बना है। तो मुझे दीजिए, तब तक बाय बाय।